नमस्कार, मैं हरिद्वार प्रसाद चौरसिया, यहाँ पे मैं एज ए यंग प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, सहयोग वुमेन प्रोड्यूसर कंपनी नालंदा में। आज हम आपको नालंदा जिला में जो आलू का इंटरवेंशन जो चल रहा है यहाँ के तीन ब्लॉक में, नूरसराय, बिहार शरीफ और रोही में, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। इसका मकसद क्या है, इसमें कौन लोग जुड़े हुए हैं और इसका आगे का क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, उसका बिजनेस प्रोसेस कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये जो नालंदा जिला के जो तीन ब्लॉक में पोटेटो प्रोक्योरमेंट पे जो काम चल रहा है जीविका और टेक्नोसर्व के मदद से, उसमें सिर्फ हम उन्हीं मेंबर से पोटेटो लेने की बात करते हैं जो हमारे पीजी से जुड़े हुए हैं। पीजी का मतलब प्रोड्यूसर ग्रुप या उत्पादक समूह, और यहाँ के जो उत्पादक समूह है वो हमारे उत्पादक कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं पोटेटो प्रोक्योरमेंट में, वो सारे मेंबर हमारे उत्पादक कंपनी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो 90 दिन जो पुराने फसल होते हैं आलू के, उसको किसान क्या करते हैं कि उसका जो डंठल होता है, जो पेड़ होता है, उसको पहले उखाड़ करके लोग उसको साइड कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे जो भाई जो होते हैं वो अपने लेबर से आलू को कुदाली से उसको उखाड़वाते हैं, और उखाड़ने के बाद हम लोग उसका अपना जो जीविका का जो ट्रेंड लेबर है, जिनको कि हमने एक लेबर पूल बना करके उनको ट्रेनिंग दिया है कि कैसे उनका सॉर्टिंग करेंगे, फिर कैसे उनका ग्रेडिंग करेंगे और किस किस तरह से उनका तीन ग्रेड बनाएंगे, ए बी सी ग्रेड। अगर हम बात करें सबसे पहले, जब हमारा फील्ड में काम चालू होता है तो फील्ड स्टाफ के द्वारा वापस हमारे जो लेबर पूल है उनको फील्ड में ही ओरिएंटेशन दे दिया जाता है कि किस तरह से हमारा सॉर्टिंग होगा, ग्रेडिंग होगा और पैकेजिंग होगा, कितना वजन होगा, किस तरह से लोडिंग किया जाएगा ट्रैक्टर पे। और इसका मॉनिटरिंग भी हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें सीसी होते हैं, एसी होते हैं, लाइवलीवुड स्पेशलिस्ट होते हैं। दीदी देखिए, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आलू का ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आलू का ग्रेडिंग में देखिए, एज जो है हमारा, एज जो बड़ा दिख रहा है आपका, दिख रहा है ना ये सब, देखिए ये सब जो है, ये सब हमारा किस में आएगा, ए ग्रेड में आएगा, ठीक है, ए ग्रेड में आएगा। और ए ग्रेड को हम हमेशा अलग ही रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब हम ग्रेडिंग करेंगे, हम बी ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बी ग्रेडिंग का, बी ग्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ए जब आपको रखना होगा तो ये आप एक अलग बोड़े में इसको आप पैक करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी ग्रेड का हमारा यहाँ पे रखाएगा दीदी। तो देखिए अब हम चलेंगे सी ग्रेड पे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस तरह का उठाइएगा अपने पास, देखिए है इस तरह का, देखिए आप लोग निकालिए। ये जो हमारा आएगा, ये हमारा सी ग्रेड का आएगा, समझ गए। ये जो हमारा इस तरह का साइज का होगा उसको एक अलग बोड़े में, इस तरह का साइज होगा बी ग्रेड का उसको हम अलग बोड़े में, और सी ग्रेड का अलग बोड़े में। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको बहुत सारे हमारे खेत में आलू होते हैं ना, उसमें से हमें छाटना भी है। ये जो हमारा आलू है ना, ये देखिए हमारे यहाँ पे है ना चित्ता छेद टाइप का है, ठीक है ना। तो इसको हमको नहीं लेना है, तो अगर इसमें इस तरह का आलू हम इसको नहीं लेंगे, अगर इस तरह का आलू रहेगा तो आप सीधा इसको साइड में हटा दीजिएगा। दीदी ये आलू देखिए हमारे पास, ये आलू जो है ना देखिए हरा है और इसमें चित्ती भी लगा हुआ। तो जो आलू हमारा, जिसमें मान लीजिए कि 5-10% आलू जो हरा होगा ना, समझ गए, उसको हम लेंगे। अगर उससे 10-15% ज्यादा होता है तो हम उसको भी छाड़ देंगे। सर ये कटा वाला जो आलू है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं, इस तरह का जो आलू होगा दीदी, जो भी आलू आपको इस तरह कटा हुआ दिखेगा ना, ठीक है, इसको बोड़े में डालना ही नहीं है, इसको सीधा हम इसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। हम इस तरह के आलू को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। Thank you.
उनके बाद हमारे लेबर क्या करते हैं कि उसको ग्रेड के हिसाब से अलग अलग पैकेट में रखते हैं। बड़े वाले साइज को अलग पैकेट में डालते हैं, जो मीडियम साइज होते हैं उसको अलग पैकेट में डालते हैं, और जो सबसे छोटे होते हैं उसको अलग पैकेट में डालते हैं। डालने के बाद, उनकी भरने के बाद क्या होता है कि उनको वजन किया जाता है। वजन में हम लोग 51 kg 200 ग्राम लेते हैं एक पैकेट में वजन। वजन होने के बाद क्या होता है कि उसका स्टिचिंग किया जाता है। स्टिचिंग हो जाने के बाद उसकी टैगिंग की जाती है। टैगिंग में हर एक बोरे पे एक कोड लिखा जाता है। जैसे अगर देखेंगे आप तो कोड में पहले N लिखा हुआ है, ये बताता है कि हमारा किस ब्लॉक का है। यहाँ पे देखा जाए तो N का मतलब नूरसराय होता है। इसके बाद हमारा 16 लिखा हुआ है, 16 हमारा PG कोड बताता है कि नूरसराय में जो 16 नंबर का PG है उसका ये चलान है। और उसके बाद 16 के बाद आप चलान में देखें, 16 के बाद 793 लिखा हुआ है, 793 हमारा चलान नंबर है। जो एक किसान का जब आलू उठता है तो हम एक चलान काटते हैं और वो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। 793 के बाद देखेंगे वापस एक 16 लिखा हुआ है। ये 16 इंडिकेट कर रहा है कि उस किसान ने टोटल 16 पैकेट आलू जीविका को दिया है। कोडिंग हो जाने के बाद हम लोग लोडिंग करते हैं ट्रैक्टर पे। उसके पहले हम लोग कुछ सावधानी बरतते हैं कि ट्रैक्टर पे पुआल वगैरह या नेवारी का जो डंठल है उसको डाल देते हैं, ताकि जब हमारा आलू उस पे लोड हो तो ज्यादा उस पे कोई घर्षण ना हो, आलू हमारा खराब नहीं हो। लोडिंग वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर वे में लोडिंग हो, कोई आलू ज्यादा चुराए नहीं, और जो बोरा जब हम ट्रैक्टर पे रखते हैं तो सही से आसानी से रखें। लोडिंग हो जाने के बाद हमारा गाड़ी फील्ड से मूव करता है। उसी समय लोडिंग के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल पैकेट लोड हो जाता है तब हम लोग उस समय चालान काटते हैं फार्मर्स का, जिसमें 4 कॉपी होता है चालान का। एक कॉपी जो है हमारा फार्मर को मिलता है जिसको किसान कॉपी बोलते हैं, दूसरा जो हमारा कॉपी होता है वो हमारे PG को जाता है कि PG के पास अपना डाटाबेस मेंटेन हो कि उस PG से टोटल कितने फार्मर ने आलू दिए हैं, टोटल कितना पैकेट दिए हैं। तीसरा जो चालान होता है वो हमारा जीविका और जो टेक्नोसर्व के नाम से चालान होता है वो हमारे पास डाटाबेस के लिए मेंटेन होता है। और जो हमारा चौथा चालान होता है वो प्रोड्यूसर कंपनी को जाता है, जिसके साथ उस मेंबर का खाता का डिटेल और पासबुक का जो फोटोकॉपी होता है उसके साथ जाता है, जिसके बेसिस पे उसका पेमेंट किया जाता है। अगर हम लेबर पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी लेबर है उनका एक लिस्ट बना हुआ है और उनको डेली बेसिस पे उनका एक अटेंडेंस होता है। अटेंडेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनका अल्टरनेट डे फील्ड में ही हम लोग 5 बजे के बाद पेमेंट कर देते हैं। मेरा नाम है लीला देवी, मैं उत्पादन PG ग्रुप से जुड़ी हुई है। 8 बजे सुबह में आते हैं, काम करते हैं, सांझ के 150 रुपया दे देते हैं। मेरा सुनीता देवी नाम है, नेहा ग्रुप से जुटल है। आलू सवेरे 8 बजे आते हैं चुन्नी में, सांझ के सांझ होता है 5 बजे 150 रुपया मिल जाता है। मेरा नाम मनीष कुमार है, आते हैं सवेरे 8 बजे। जब हम काम पर आते हैं तो काम करते हैं, बोरा पकड़ते तो अगर आलू उसमें आता है कटा हुआ आता है या सड़ा हुआ एक आठ गलती से भी आ ही जाता है तो हम उसको छाट कर भी अलग करते हैं। छोटा बड़ा 2-3 साइज का आलू हम करते हैं, बड़ा बड़ा अलग करते हैं, मंझला अलग छोटा अलग करते हैं, और फिर शाम होता है घर जाते हैं। लोडिंग के बाद हमारा ट्रैक्टर फील्ड से कोल्ड स्टोर पे जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद ट्रैक्टर का जो ड्राइवर होता है उसके पास 2 तरह का चालान होता है। एक तो जो अभी बताया मैंने कि जीविका और टेक्नोसर्व का जो कॉपी होता है, जो 4 कॉपी में से एक कॉपी था, वो कॉपी वहाँ पे जो हमारा VRP बैठे हुए होते हैं उनको दिया जाता है। उसमें सारा डिटेल्स होते हैं कि किस ब्लॉक के किस गांव से और कितना चालान नंबर से टोटल कितने बैग्स आए हैं। अनलोडिंग के बाद क्या होता है कि जो हमारे VRP वहाँ पे कोल्ड स्टोर लेवल पे है उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो उस चालान पे लिखा हुआ है
उतना पैकेट सही सलामत आया है कि नहीं। उसके बाद एक और छोटा सा चालान होता है जो ट्रैक्टर कॉपी बोलते हैं, वो हमारा अलग होता है, इस चार कॉपी से अलग वो चालान होता है। वो ट्रैक्टर कॉपी पे लिखा हुआ होता है कि इस चालान नंबर का टोटल इतना पैकेट, या दो तीन चालान का एक ट्रैक्टर में अगर गया है तो दो तीन चालान का उस पे मेंशन होता है कि टोटल उस चालान को मिला करके हमारे इतना पैकेट इस पर्टिकुलर ट्रैक्टर से इस ड्राइवर के माध्यम से गया है। तो अनलोडिंग के बाद हमारे बीआरपी क्या करते हैं, वो टोटल वो काउंट कर लेते हैं, उसके बाद उस पर वो साइन कर देते हैं। वही ट्रैक्टर वाले का अपना रिसीविंग होता है कि आपने जितना फील्ड से पोटैटो उठाया था, जितना पैकेट, उतना अपने कोल्ड स्टोर पे जमा कर दिया, और उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रैक्टर वाले को भी पेमेंट करते हैं। अनलोडिंग के बाद क्या होता है कि अगर उसमें कुछ पैकेट ऐसा लगा कि जो सिलाई सही से नहीं हुआ था, या फट गया है, या किसी का टैगिंग अगर फट गया है, या गुम हो गया है, या भूल गया है, तो हमारे जो वीआरपी होते हैं उसको वापस क्या करते हैं कि उसको फटे हुए बोरे को या डैमेज बोरे को वापस उसको सील देते हैं। और उसके बाद अगर कहीं टैगिंग वगैरह अगर छूट जाता है तो क्या करते हैं कि उस पर वापस टैगिंग कर देते हैं उस चालान को देखते हुए। उसके बाद क्या होता है कि वहां जो कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक होते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि हमारा आज इस ट्रैक्टर से इतना हमारा पोटैटो का बोरे आए हैं, और कोल्ड स्टोरेज वाले क्या करते हैं कि उसको अपने तरीके से काउंट कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं वो अपना भी एक टैग लगाते हैं। मेरा नाम शशिकांत मेहता है, मैं सृजन कोल्ड स्टोरेज का डायरेक्टर और मैनेजर हूँ। यहाँ के व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी मेरे पास है। जब भी कस्टमर का कोई यहाँ आलू का लॉट आता है, सबसे पहले हम रजिस्टर में दर्ज करने के साथ एक कार्ड इशू करते हैं। इस कार्ड में जो है प्रॉपर डिटेल्स दिया रहता है, जैसे कस्टमर सहयोग महिला जीविका प्रोड्यूसर ग्रुप है, इसने 7 तारीख को पैकेट लाया है, कुल 120 पैकेट लाया है, एवरेज वजन 50 केजी है, ये सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। जब हम इसको अंदर लोड करने के लिए जाते हैं तो इसका यहाँ से जो है टुकड़ा अलग कर लिया जाता है, और ये कहाँ रखा जा रहा है प्रॉपर इसमें तो मतलब फ्लोर नंबर, खटाल नंबर, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, सब कुछ इसमें दर्ज हो जाता है। जब भी इसके निकालने के लिए ऑर्डर आता है तो सेम ये कार्ड जो है आधा हिस्सा लेबर को दिया जाता है निकालने के लिए, और आधा पार्ट जो है बाहर के स्टाफ को दे दिया जाता है कि ये माल निकल के अंदर आ रहा है। इससे होता क्या है कि हर हाल में जिस कस्टमर का माल है सेम टू सेम वही डिलीवरी हो, यह इससे सुनिश्चित हो जाता है, और किसी प्रकार के एक पैकेट के भी उलटफेर की कोई संभावना यहाँ नहीं रह जाती है। जब शेड में आलू आ जाता है तो हम लोग उसको 2 से 3 दिन तक यहीं रखते हैं, चूँकि कभी कभी होता क्या है कि कई दिनों से आलू बाहर में रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर ये हो गया है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद हम लोग उसको अंदर चैम्बर के अंदर डालने का प्रोसेस शुरू करवाते हैं। तो ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ जब भी माल आता है तो हम हर फ्लोर के, हर रैक के, हर खटाल पे अलग अलग मार्किंग किए हुए हैं। जैसे यहाँ सामने देख रहे हैं B9, B10, B11, ABCD, जो भी पूरा टोटल कोडिंग है, और कौन सा पैकेट किस कस्टमर का किस ब्लॉक के किस सेक्शन में रखा हुआ है, ये सारा हमारे यहाँ दर्ज रहता है। और यहाँ पे जो है हर फ्लोर पर टेम्परेचर मेंटेन कर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थर्मामीटर भी हम लोग लगा के रखे हुए हैं। जैसे इस फ्लोर का देखिए यहाँ पे है, प्रॉपर काउंट होता है कि जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से हम लोग मशीन चलाने का आवर जो है वो घटाते और बढ़ाते रहते हैं। ये जो आपको मैंने अभी बताया कि ट्रैक्टर जब पहुंचा उसका अनलोडिंग हुआ, और अनलोडिंग के बाद जो भी प्रक्रिया जो आपने देखा उसमें हमारे 3 स्टाफ लोग लगे हुए रहते हैं। एक हमारे जीविका के वीआरपी होते हैं जो कि सारा चेक करते हैं, और उसके बाद उसका जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है वो हमारे जीविका और टेक्नोसर्व टीम मिल करके करती है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो हमारा फील्ड से अलग अलग ब्लॉक से जो टोटल हमारे जो आलू के बैग्स आए हैं वो टोटल कितने बैग्स आए हैं, किस कंपार्टमेंट में रखा गया है, और जो हमारा ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड का जो आलू है वो हर एक कंपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आगे जब हम उसको बेचने के जब टाइम आएगा तो हम इजीली डिटेक्ट कर पाएं, इजीली उसको पहचान पाएं कि हमारा किस कंपार्टमेंट में हमारे टोटल कितने बोरे रखे हुए हैं, वहाँ पे कितना ए ग्रेड है, कितना बी ग्रेड है, और वो किस फील्ड का हमारा आलू है। नमस्कार, मैं नीतीश हूँ और मैं यहाँ सीनियर एसोसिएट के पद पे टेक्नोसर्व से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे हमारा जो है सारे लॉट उतर जाते हैं तो हमारा शुरू से ही फोकस रहा है कि हम एक एक बैग को जो है बारीकी से चेक करें कि जो
माल हमारा वहाँ से निकला है आलू, उसी कंडीशन में वहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, तो हम जो है सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या सारी बोरिंग बोरी जो हमारी आई है आलू की, उसमें कोडिंग हुई है कि नहीं। अगर कोई कोडिंग मिसिंग है तो पहले हमारे साथ हमारे कुछ स्टाफ्स हैं, कोलिग्स हैं, उनके मदद से हम चालान नंबर देख करके और उस कोडिंग को पूरा करते हैं। अगर कोई बोरी खुली हुई है, उसकी सिलाई अच्छे से नहीं हुई है, तो हम सिलाई को दोबारा से कराते हैं। अगर कोई बोरी फट गई है तो उस बोरी को भी हम यहाँ चेंज करने की व्यवस्था हमने यहीं पे रखी है कोल्ड स्टोर में। वो पूरा जब हम एक बार आश्वस्त हो लेते हैं सारी क्वालिटी पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है, उसके बाद ही हम उसकी जो है फाइनल एंट्री जो है हम अपने MIS में और अपने एक्सेल शीट जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें करते हैं। नमस्ते, मैं नीतीश शंकर यहाँ पे टेक्नोसर्व में सीनियर एसोसिएट के पोस्ट पे हूँ। और अभी यहाँ पे मेरा मुख्य काम, मेन काम ये है कि जो भी हमारे ट्रैक्टर्स फील्ड से पोटैटोज के साथ यहाँ पहुँचते हैं पैकेट्स में, उनकी चालान वाइज मुझे यहाँ पे MIS एंट्री करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पीजी वाइज फार्मर्स वीक का भी हम लोग वो जो पैकेट्स आते हैं उनको मेंशन करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि इस पीजी से कितना माल आया। ठीक है, इसके अलावा डेट वाइज जैसे कि एक दिन में हमारे 10 से 15 ट्रैक्टर्स भी आते हैं, तो कौन से ट्रैक्टर के पेमेंट में भी जो है हमें एक इजीली मॉनिटर कर पाते हैं कि किस ड्राइवर को हमें कितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये एंट्री से हमें ये सब मतलब कि एक सहूलियत मिलती है। इसके अलावा जब हमारी एंट्री हो जाती है तो उसके बाद हम लोग एक रजिस्टर बनाया है, इस रजिस्टर पे भी हम लोग डेट वाइज एंट्री करते हैं। जब हमारा आलू का ट्रैक्टर कोल्ड स्टोर पे पहुंचता है तो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है वो हमें ये चालान देता है कि ये इस चालान का हमने इतना प्रोडक्ट लेके हमारे ट्रैक्टर पे हम आए हैं। तो इस चालान के माध्यम से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उन सारे इन्फॉर्मेशन को हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो जैसे हमारे रजिस्टर पे एंट्री हुई, उसके बाद हम कंफर्मेशन अपने फील्ड स्टाफ से भी कर लेते हैं कि हाँ इतना हमारे पास चालान आया है, आपने उतना भेजा है, सब क्लियरिटी हो जाती है। उसके बाद से फिर हम लोग उसको फाइनल अपने एक्सेल शीट पे सिस्टम पे सॉफ्ट कॉपी में हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स पोटैटो के आए हैं यहाँ पे ट्रैक्टर से अनलोड होने हुए, उसके बाद से नरेंद्र जी ने वहाँ पे अगर उसको काउंट कर लिया और काउंट करने के बाद चालान से मैच कर गया, फिर उन्होंने जाके यहाँ के मुंशी जी को बताया कि हमारे इतने प्रोडक्ट्स इतने पैकेट्स आए हैं, आप एक बार गिन लीजिए। जब वो गिन लेते हैं, गिनने के बाद उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ आपके जो जितने चलाने हैं वो मैच कर रहे हैं नंबर ऑफ पैकेट से। तो वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ से एक अपना रिसीविंग एक रिसीट जो है प्राप्ति रसीद वो हमें देते हैं, ताकि एक हमारे पास भी एक रसीद हो उनकी तरफ से कि हमने हमारे कोल्ड स्टोर में आपके इतने पैकेट्स स्टोर हो चुके हैं। ये है वो कोल्ड स्टोर रिसीविंग रिसीट। तो ये रसीद हमारे लिए एक प्रूफ हो जाता है कि हमारे फार्मर के इतने पैकेट्स कोल्ड स्टोर में जमा हो गए हैं, और ये कोल्ड स्टोर की लायबिलिटी होती है बन जाती है कि अगर इन फ्यूचर जब हमारे सेलिंग का जब टाइम आए उस टाइम पे अगर कोई एक पैकेट भी अगर मिसप्लेस हो जाए तो कोल्ड स्टोर ये हमें रिटर्न देगा। तो एक बार ट्रैक्टर आने के बाद जैसा कि मैंने बताया, मैं और मेरे साथी मिल करके ये कंप्लीट प्रोसेस अनलोडिंग से लेकर के क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करना, उसके जो है सीजनिंग करना, ड्राइंग करना और स्टोर करना, और उसकी फिर MIS एंट्री और फाइनल रिसीट हमें प्राप्त करना, ये कंप्लीट प्रोसेस है हमारी यहाँ पे। और अगर इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हम हर समय किसी भी प्रोसेस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब रही बात उस पोटैटो का जो कोल्ड स्टोर में स्टोर किया गया है, इस बार का अगर देखें तो हम लोगों ने 1200 से ज़्यादा मेट्रिक टन पोटैटो हम लोगों ने कोल्ड स्टोर में स्टोर किया है, और हम लोग इंतजार करेंगे 3-4 महीने के बाद जब इसका प्राइस अच्छा मिलेगा तब इसको हम लोग जीविका और जो टेक्नोसर्व की जो मार्केटिंग एक्सपर्ट टीम है उनकी मदद से हम लोग इसको अच्छा दाम पे बेच पाए, जिसके लिए हम लोग अभी से ही लगे हुए, हमारी मार्केटिंग टीम लगा हुआ है कि जो बड़े बड़े जो कंपनी है जैसे NCDX वगैरह हो गया तो उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रेडेड पोटैटो जो रखा हुआ है, अलग अलग क्वालिटी के जो पोटैटो हमारे रखे हुए हैं उनको हम लोग जब अच्छा प्राइस मिलेगा तब बेचेंगे। उसके बाद बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो उसका जो प्रॉफिट है हम लोग किसानों को ही देंगे। हाँ, उसका कुछ पार्ट जो है प्रोड्यूसर कंपनी अपने पास रखेगी अपने कॉर्पस के लिए, सो दैट कि आगे भी इस अपना अलग अलग और भी इंटरवेंशन में हम लोग कॉर्पस फंड का यूटिलाइज कर पाए।